नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। अभी कैसा कुछ है उसके ऊपर? कुछ नहीं है, ये गलती में हो गया था वो। और मैं तो आते क्या आज सारा दिन घर पे है, तो कल आज ही शाम के लिए ऐसा आ जाएंगे, कोई भी आए तो आप यहीं पे रहना, बोलना बोले थे तो यही रहता है। रहता कहाँ पे? यहाँ पे, यहीं पे। बच्चे को हमारे गफलत हो गई, ऐसे क्या नहीं है बच्चा हमारा, घर को जल्दी आ जाओ बोलो। रोज घर को आता बच्चा, रोज काम पे जाना। और एक मजदूरी काम करते, एक कार्ड पूरा हुई है। कितना दिन से रह रहे हैं पे? यहाँ पर 3 साल हो गए। इससे पहले 3 साल से पहले कुछ कार्ड एक्सपायर होते हैं, नहीं तो कब तक रहते कार्ड? हाय डियर पेपर, वो भाई मेरा है, मेरा नाम भाई आरसी। ठीक है डियर पेपर बताओ आपका, तो ये मका रेंट वाला नहीं है ना? नहीं वो नहीं सर, वो नहीं।
किराए पे थे रहे थे? नहीं कोई नहीं। क्या काम कर रहे आपका सर? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कलेक्ट कर रहे हैं? हाँ। कौन सा बैंक में? बैंक में नहीं है। पूरे स्टेट में ड्राइव चल रहा है। पिछले हफ्ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में मीटिंग लगाई गई और सभी को साफ साफ बताया गया कि ऐसी गांजा जैसी नशीली सब्सटेंस को किसी की हालत में तेलंगाना स्टेट में इजाज़त नहीं होगी। इसका ट्रांसपोर्ट और सेल पे पूरा पाबंदी है और उसके ऊपर पूरी एक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी, नशीले सब्सटेंस जैसे वाइटनर है और कुछ टैबलेट्स भी है, उनके ऊपर भी अभी ड्राइव जारी है। इसी वास्ते अभी कॉर्डिनेट सर्च यहाँ असद बाबा नगर फकीर बस्ती में किया गया, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा यहाँ पे एक साल में जो रोडी ऑफेंसेस हुए उनके ऊपर भी ये ड्राइव चलेगा और हमारी मकसद है कि पूरे हैदराबाद शहर में और स्टेट में गांजा की जो इश्यू है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें। थैंक यू। आज पूरे 58 गाड़ियां का जो जिसपे करेक्ट पेपर्स ने उनको रोक के उस पर चलान लगाए गए और यहां पे 10 राउडी शीटर्स को भी